हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहा कर कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ शॉप पर जाने के लिए। और अभी चिकू की भी तबीयत काफ़ी सही है, यानी रात को बुखार आ गया था पर दवाइयों की वजह से उतर भी गया। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले, आपको 2-3 दिन पहले कपूर कोन यानी फ्रेग्रेंस वाले जो कोन थे उनका यानी दिखाया था कि हमारी शॉप पर अभी न्यू अवेलेबल हुए हैं, और मैंने उनकी टेस्टिंग की। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैंने वॉशरूम में लगाया था और एक नंबर फ्रेग्रेंस है। मैंने यूज़ किया था मेरे वॉशरूम में लेवेंडर, बहुत ही अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस है, मस्ट यू ट्राई। और अभी चिकू शॉप पे जाओगे ना आज? तो ठीक है, चिकू अब सही है तो उनको ले चलते हैं शॉप पे, और मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बाल बाल आज वॉश किए, कल ऑयल किया था इसलिए। बेड वेड सब क्लीन कर दिया है और अब जा रही हूँ शॉप पे। तो शॉप पे जा रही हूँ अभी, खाना बनाने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। मैं आपको है ना शॉप पे काम इसलिए बता नहीं पाती हूँ क्लाइंट्स का, क्योंकि क्लाइंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं यानी कि मैं उसको शूट करूँ कैमरे में। इसलिए मैं अब धीरे धीरे मेरा ही काम यानी मेरे ऊपर ही ज्योति मुझ पर करेगी, और मैं आपको बताऊँगी। आज हो सकता है तो मैं आज फेशियल ले लूँगी, क्योंकि मुझे फेशियल की काफ़ी ज़रूरत है। और मैं फेशियल ओनली फॉर मिशेल का करवाती हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी भी फेशियल नहीं करती, ओनली फॉर मैं घर पे ही यानी क्लीन अप करती थी। फेशियल में जब से करवाने लगी हूँ वो सिर्फ मैं मिशेल का करवाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा सूट होता है। मिशेल की हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से सूट होती है, इसलिए मुझे उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सच में। अगर आपको स्किन के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मिशेल यूज़ करिए, बिल्कुल आपको क्योर हो जाएगी उससे। और मेरे पैर बहुत ज़्यादा फट गए थे अभी, क्या एक्चुअली लॉकडाउन में हम लोग शॉप पे जाते थे पर मैं वहाँ सफाई नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। तो वो मिट्टी जैसे पैर पे लगती थी तो यानी उससे पैर फट रहे थे मेरे। तो मैंने मिशेल की फुट क्रीम 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ और एकदम से क्लीन हो गए मेरे पैर, मैं आपको बताऊँगी। लड़ते ही रहते पूरे टाइम दोनों जो ना, इनकी क्या पता क्या बांटना है। अभी बज रही है 11:30 और मुझे जाना है घर पे खाना बनाने। और खाना बनाने के लिए आज हरी सब्जियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, प्लस सलाद भी ख़त्म हो चुके हैं, प्लस फ्रूट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इन तीनों की मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ अभी। चलिए हमको लेके मिस्टर निपेश पंचाल, चलिए। अभी सब्जियां सारी धोएंगे। आज बना रही हूँ मैं खाने में मूंग की दाल की खिचड़ी, और मैंने इसके लिए प्रिपरेशन कर दी है। मूंग की दाल भिगा दी है, चावल भिगा दिए हैं, और प्याज वगैरह कट कर दी है। लहसुन में इसमें पूरा आखा ही डालूंगी, यानी इसमें कटा हुआ लहसुन अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और एक काट देती हूँ टमाटर, और थोड़ी सी डालूंगी आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं, इसमें मसाला डाल रखे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रेड चिली मसाला यूज़ नहीं करते हैं, उसके अंदर धनिया और लहसुन मिक्स करके तो उसको एक टाइट डो टाइप का बना के उसको फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं, उससे क्या है ना टेस्ट अच्छा होता है ये टमाटर से। बनाने के लिए कुकर की आवश्यकता, चुका है। अब इसको सेट होने के लिए ऑयल लगा कर रख दिया, इसको ढक के रख दूंगी मैं। 10 मिनट के बाद फिर रोटी बनाना स्टार्ट करूंगी। मैं खाना बनाते बनाते सारा सामान भी लेती रहती हूँ और फ्लोर को भी क्लीन करती रहती हूँ, जिससे ज़्यादा बिखेरा नहीं हो और ज़्यादा गंदगी नहीं फैले। अब अनियन वगैरह काट देना है मुझे। अनियन को करना था एकदम बारीक चॉप, तो मैंने चॉप नहीं किया और बड़ा बड़ा कट कर इसके अंदर चॉप करूँगी।
गैजेट है तो यूज किया जाए ना। अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे जल्दी से खाना खा के, क्योंकि रोटी तो मम्मी को बोला मम्मी बना देना आप, क्योंकि आज हैप्पी भैया है नहीं शॉप पे, और ज्योति को भी जाना है खाना खाने के लिए, तो मैं मेरा खाना ले लेती हूँ। ये है मेरा खाना और अब इसको खा के मिलती हूँ। अभी जा रही हूँ ये शॉप पे तो चिकू से के साथ, चिकू गाड़ी लेके इधर आ रहे क्या, मैं ही चली जाती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आ गई हूँ शॉप पे और अभी ज्योति को भेजा है खाना खाने के लिए। अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर नहीं है इसलिए मैंने मास्क उतार दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लाइट्स नहीं है सो एसी भी ऑन नहीं कर सकती। कुछ देखती हूँ, अच्छा आज वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, किस पे बनाऊँ वो सोच रही हूँ, किस पे बनाऊँ यार, कुछ वेस्टर्न लुक क्रिएट करती हूँ आई थिंक। आज 5:30 हो गई हैं काम करते करते, क्योंकि शॉप पे कस्टमर थे इसलिए। तो अभी ज्योति भी नहीं गई है, मैं भी नहीं गई हूँ, अभी जा रहे हैं, चिकू भी मुझे लेने आ रहे हैं इसलिए, और क्लोजिंग टाइम भी हो गया है तो शटर डाउन कर दिया है, और ये चिकू ने शटर खोला है और लेने के लिए आ गए। मौसम तो देखो, एक तरफ पूरा ब्लैक बारिश से भरे हुए बादल हो रहे हैं, एक तरफ पूरा ब्लू मस्त जोरदार लग रहा है। अरे यार गजब का लग रहा है, बिल्कुल काला हो गया है, शायद कैमरे में इतना काला नहीं दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा काला हो गया है। क्या वेदर हो रहा है, एकदम शानदार गजब का लग रहा है। और अभी मैं घर पे भी आ चुकी हूँ, और हमारे क्यूट क्यूट बनीज भी क्या कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त की बारिश गिरी है, बड़ी बड़ी बारिश गिरी है, बड़े बड़े छीटे। बंद हो गई, दो मिनट की, हाँ स्पीड कम हो गई एकदम। ये और गर्मी बढ़ाने वाली बारिश है ये क्या, वो जो धीमी धीमी आती है वो गर्मी मिटाती है, और तेज है। जाओ नाच के आ जाओ, नाच के आ जाओ, मत जाओ बीमार हो जाएंगे फिर बीमार हो जाएंगे, तो फिर अभी वैक्सीन लगी है सही हुए, तो बहुत अच्छा मौसम। अरे तेज आ रही है एकदम, बर्फ गिरे तो वो गोल गोल वाले बंद हो गई, ओ पूछ को बंद होगी, बारिश ही बंद होगी। चलो अब अंदर ठंड लग जाएगी अब। हाँ यार देखो स्पीड तो देखो, कहीं जंप आ जाता है, धीरे नहीं करते गाड़ी में से, बहुत तेज बारिश, जूते भी भीग गए ये वाले, देखो जूते थे ओ वो भी भीग गए। मैंने मेरी साड़ी चेंज कर दी है क्योंकि हम बारिश में कर रहे थे मस्ती, और मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी वो हम शूट नहीं कर पाए इसलिए, और अभी बारिश गिर रही है तो मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है। तुमको पीनी है? नहीं, कल तो पी थी, पीनी है तो बोलो, पीनी है तो बोलो, बन रही है ठीक है, चाय और खाकरा आज पियेंगे, मजा आएगा। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, इसके अंदर जाएगी अब, एक हाथ से काम करने का नतीजा देख लीजिए। पापा और मेरे लिए बन रही चाय, और एक हाथ से काम करने का नतीजा ये है कि शुगर है वो गिर चुकी है, इसको वापस से अंदर डाल दूँ, फ्लोर क्लीन है इसलिए ले लेती हूँ। जब तक चाय उबल रही है तब तक चिकू से जाके थोड़ी सी बातें करते हैं, उनको करते हैं परेशान, क्यूट सी शक्ल लेके वीडियो एडिट कर रहे हैं। थैंक यू मस्ट मस्ट थैंक यू, पूरा टाइम मेरी एक वीडियो दिखा दिखा के मेरे को छेड़ते रहते। मैं वीडियो दे दूँ, मैं करता हूँ।
अरे आप हमारी वीडियो में फूल खिले की गुलशन गुलशन तुमका क्या मजा आता है ये वीडियो देख के? मजा आता है। इनका भी टी शर्ट अभी चेंज करवा दिया है, अभी बुखार से उठे हो, वापस कहीं बीमार हो जाओगे, ये तो क्यूटी क्यूटी फायर्स लग गए, फिर मेरे को बहुत परेशान करते हो। अपनी हो गई है मस्ती यहाँ पर, और इतने में अपनी चाय भी तैयार हो गई होगी, तो चाय देख के आते हैं। आप एक बार ये वाली वीडियो देखो और फिर मुझे बताना, मैं आपको इसके पीछे का राज बताती हूँ। बहुत इन्जॉय किया तो मैं कुछ भी व्लॉग में शूट नहीं कर पाई। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। ये जब मैं बोल रही थी तब मेरे पापा यूँ बोल रहे थे मुझे, रात की रात को लेट हो गए थे, लगभग 11:30 ऐसा कुछ हो गया था, और ये टाइम सोने का हो जाता है। दूसरे वाले रूम में जाके शूट कर रही थी तो पापा मेरे को बोले ये यूँ बजड़ बजड़ बजड़। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, अभी चिकू को बताया, चिकू भी हंस रहे थे। चाय हो गई है तैयार, इसको छान लेते हैं। ये रही मेरी चाय और ये रहा खाकरा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं करती हूँ मेरी चाय को एंजॉय, तब तक आप मेरा आगे का व्लॉग एंजॉय करो। मैंने चिकू की वॉच पहनी है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं मेरी वॉच का बेल्ट चेंज करने का सोचूंगी। आज डिनर में बन रहे हैं पनीर के चिल्ले, तो पनीर के चिल्लों के लिए मैंने मूंग की दाल भिगो दी है और उसको अच्छे से हम प्री पीस देंगे। यहाँ पर ये पनीर भी बन गया है, होममेड पनीर, तो इसको भी अच्छे से बारीक करके सैलेड कट कर दूँगी, तो और मूंग की दाल को हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। ये यहाँ पर बन गया है चिलड़ा, और ये बन गई है हमारी पनीर की स्टफिंग। इसके अंदर स्टफिंग फिल करके अब अपन चिकू को दे देते हैं। लो आपका नेक्स्ट चिल्ला, कैसा लगा? एक नंबर। एक ही डायलॉग है तुम्हारे पास, एक नंबर, वर्ड ही नहीं रहते, क्या करूं बोलने के लिए। खाना वगैरह सब हो चुका है, अभी होती हूँ मैं फ्री, और अब आ जाता है रेस्ट करने का टाइम, मेरे सोने का टाइम। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।